नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल रूठों को मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। और इसी बीच इंदौर में बीजेपी की ओर से संगठन की संभागीय बैठक संपन्न हुई, वहीं कांग्रेस की ओर से भी दिल्ली में आज बड़ी बैठक संपन्न हुई है। तो वहीं रूठों को मनाने पर भी अब जोर दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो संदीप, आने वाले समय में क्या हम देख पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से बैठक हो रही है तो कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब तैयार नजर आ रही है और उसी कड़ी में आज बीजेपी की संभागीय बैठक इंदौर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज, कैलाश विजयवर्गीय, हितानंद शर्मा जैसे बड़े दिग्गजों ने शिरकत की थी, जहाँ पर मालवा निमाड़ को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई गई और कैसे मालवा निमाड़ की सीटों पर जीत हासिल की जाए इसको लेकर एक तैयारी की गई। वहीं दूसरी ओर कैसे बागी नेताओं को एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में लाया जाए इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी तैयारी जो है वो तेज कर दी और बागी नेताओं को मनाने के लिए यह संभागीय बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें अमित शाह का गुरु मंत्र लेकर तमाम राजनीतिक जो राजनेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी और कैसे राजनीतिक पार्टियों के जो बागी नेता हैं उनको मनाया जाए इसको लेकर खासी रणनीति बनाई गई है। जी देखिए, बात करें अगर बीजेपी की तो अमित शाह के दौरे के बाद आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की ओर से संभागीय बैठक संपन्न हुई। कौन कौन से बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए? और देखिए, पार्टी की ओर से लगातार अब दावा किया जा रहा है कि रूठों को भी मना लिया जाएगा, क्या कुछ है इसके पीछे जानकारी? मैं आपको बता दूं कि भाजपा की ओर से आयोजित इस बैठक में तमाम जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया था और तमाम जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से लगातार जो अपने रूठे हुए कार्यकर्ता और प्रत्याशी हैं उनको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। और अमित शाह ने जिस तरीके से 3 दिन मध्य प्रदेश के दौरे कर ये जाना है कि कहाँ कहाँ बागियों की संख्या ज्यादा है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और उसके बाद में ये बड़ी बैठक आज इंदौर में आयोजित की गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के मूड में नजर आ रही है और उसी कड़ी में ये बड़ी बैठक आज संभागीय जो बैठक है इसमें मालवा निमाड़ के तमाम अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश की कैसी रणनीति आने वाले दिनों में होगी और कैसे बागियों को मनाया जाएगा पार्टी की ओर से इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। जी देखिए, बात करें अगर कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी क्रम में आज जो है दिल्ली में कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई है, जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी इस बैठक के बाद सामने निकल कर आई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जहां एक और संभागीय बैठक आयोजित की गई, वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कमलनाथ समेत दिग्विजय सिंह और आला अधिकारी तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस में हाल ही दिनों में खबर आई थी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और कांग्रेस की ओर से भी डैमेज कंट्रोल करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब चुनाव के लिए एक्टिव मोड में नजर आ गई और अपने बागियों से कैसे समीकरण साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की ओर से की जा सके और कैसे राजनेता की जो नेता है जो कहीं ना कहीं बागी सुर अपना रहे कैसे उनको मनाया जा सके इसको लेकर आज कांग्रेस की ओर से यह बैठक संपन्न हुई है। इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी और हाल ही दिनों में हमने देखा कि कैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो विवाद है उसने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में सुर्खियां बटोरी थी, उसके बाद में हाईकमान जो है वो एक्टिव हुआ और उसके बाद में ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। जी देखिए, बात करें अगर बीजेपी की तो बीजेपी की बैठक संपन्न हुई है और इसमें रूठों को मनाने पर भी खास रणनीति तैयार की गई है। अभी कुछ ही समय में जो है नामांकन वापस लेने की भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और पार्टी के द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि बागी जो नेता हैं वो अपना नामांकन वापस लेंगे। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद में लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपना एडी चोटी का जोर लगाकर जो अपने बागी प्रत्याशी और नेता है जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म
कर स्थानीय तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने अपने पाले में वापस बुलाने को लेकर जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर थे, उन्होंने भी अधिकांश बागियों से बातचीत की और अपने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की है। यानी कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब जो बागी प्रत्याशी हैं उनका इस्तेमाल कर चुनावी जो रण है उसको फतेह करने की कोशिश करेगी और कैसे उनके लिए कुछ दूसरे विकल्प पर बात बन सके इसको लेकर भी बागियों से मुलाकात कर इस बारे में बातचीत की जाएगी कि कैसे जो बागी हैं उनके लिए दूसरा विकल्प पार्टी तलाश कर सके और कैसे उनका सही इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया जा सके। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस पर जोर देगी और कल बहुत सारे ऐसे जो पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। और ये जो आज का दिन है इसमें काफी सारे बागियों से दोनों ही राजनीतिक पार्टी के राजनेता है वो बात करेंगे और स्थानीय जो प्रत्याशी दोनों पार्टियों की ओर से बनाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चा कर बागियों को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश करते हुए हमको नजर आएंगे। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, कल नामांकन भरने की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है और अब जाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और देखा जा रहा है कि भाजपा की ओर से भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज संभागीय बैठक हुई, वहीं कांग्रेस की ओर से भी दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद देखना लाजमी होगा कि कौन सी पार्टी सरकार में आएगी और आने वाले समय में अपना दबदबा दिखाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।